मैथिली की पढ़ाई के संबंध में ये बात हम कह रहल छी। भारतीय भाषा में संस्कृति और समृद्धि के जतेक अहाँ पाठ पढ़बै ओहि में मैथिली के बहुत पैघ स्थान छै। सातवीं शताब्दी में एहि भाषा के साहित्य भरपूर रहे देश में। बीसवीं शताब्दी में मैथिली के पढ़ाई कलकत्ता में 1919 में और बनारस में 1932 से भ रहल छै, लेकिन वर्तमान में बिहार, झारखंड और नेपाल में ही सेकंड भाषा छै और सब विश्वविद्यालय में इके पढ़ाई भ रहल छै। लेकिन आई लोक सेवा आयोग, UPSC, बिहार सेवा आयोग सब में मैथिली में लोग पढ़ाई कर सकै छै, परीक्षा दे सकै छै। लेकिन आई दिल्ली में लाखों मैथिल 40 से 45 लाख मैथिल एठम रहै छै, बहुत दिल्ली में 42 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होइ छै। ओकरा बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय में 11 भाषा के स्थान देल गेलै, ओकर विभाग खोलल गेलै, लेकिन मैथिली के कोनो विभाग नहीं खोलल गेलै। एहि लेल हमर आग्रह छै कि मैथिल भाषा के चुनाव प्रतिवर्ष चुनकर प्रतिवर्ष ओकर संख्या बढ़ रहल छै, चाहे वो IAS के IPS के जतेक तैयारी होइ छै, सर्वाधिक मैथिल आइ देश में चुनकर अबै छै। बनारस विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई भ रहल छै, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भ रहल छै, नेपाल, झारखंड, बिहार में भ रहल छै। एहि लेल हम दुखी भ कऽ कह रहल छी कि और आप इसके चांसलर हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, आपसे निवेदन है कि 11 भाषा जो आज चल रही है और 11 भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है, वही में यदि आपकी पैर अहाँ के पैर भी भ जेते तो निश्चित तौर पर दिल्ली में 45 से 50 लाख जो मैथिल रहे छथिन उकरा भावना के कदर हेतै। और यह बहुत सामान्य बात छे, जब 11 भाषा के चल रहा छे तो एकता मैथिली ज्ञान खुलते। हमारा भारत सरकार से और खास करके सभापति महोदय जो आप चांसलर हैं उसके आपसे निवेदन है, ऐसी चीज के कनी चिंता से करबे तो मिथिला के सम्मान।